हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर 2 रियल नंबर्स उसमें से प्रैक्टिस सेट 2.2 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या दिया गया है, शो दैट 4√2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या बताया है, 4√2 जो है क्या है, वो इरेशनल नंबर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो देखिए रूट टू जो है क्या है, नंबर सारे क्या है, इरेशनल नंबर होते हैं। रूट में जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे हम, लेट सपोज हम क्या करेंगे, एक सपोज करेंगे, सपोज कि 4√2 जो क्या है इज ए रैशनल नंबर। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सपोज कर रहे हैं 2 इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ये हमने क्या किया, सपोज कर लिया है कि ये क्या है, 4√2 हमारा क्या है, रैशनल नंबर, हमने सपोज कर लिया है। अब देखिए क्या हो जाएगा, देयर फॉर 4√2 है, 4√2 इज इक्वल्स टू आप क्या हो, तो a अपॉन b क्या कर सकते हो, 4 मतलब हमने ये अगर a अपॉन b जो है वो क्या है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर जो होते हैं वो कैसे होते, a अपॉन b के फॉर्म में होता है। तो इसलिए क्या होगा, देखिए ए बी जो है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, बट ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए जीरो से लेके माइनस प्लस इंटीजर्स कितने भी होंगे, या यहाँ पे देखिए हम लिख लेंगे बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब बी आप इज इक्वल्स टू -1 या -2 कुछ भी ले सकते हो, बट जीरो नहीं ले सकते हो, बी नॉट इक्वल्स टू जीरो। ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए और बी क्या है वो इंटीजर्स है, ये हो गया। और ए की जगह पे आप जीरो से लेके कुछ भी नंबर्स लिख सकते हो, बट बी के यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप जीरो नहीं लिख सकते हो, नॉट इक्वल टू जीरो बी। इसलिए अब क्या करेंगे, रूट टू जो है इसके साथ फोर क्या है, मल्टीप्लाई में, यानी राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आपका रूट टू इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय फोर, मल्टीप्लाई में था यानी 4b√2, मतलब रूट टू के साथ ही मल्टीप्लाई में 4b के साथ डिवाइड में चला गया। अब क्या होगा, ये हम इसको क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 दे देंगे। ये हो गया हमारा इक्वेशन वन हो गया। अब देखिए क्या हो गया, ये टू साइड्स हो गए, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो नंबर है वो क्या है, रूट में है, इसका मतलब क्या होगा, रूट में है, तो ये क्या हो गया आपका, इरेशनल नंबर हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया और ये आपका रैशनल नंबर हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेंटेंस राइट डाउन करेंगे। तो लिख लीजिए ए डिवाइडेड बाई 4b, यानी राइट हैंड साइड जो हमारा क्या, ए डिवाइडेड बाई 4b इज ए रैशनल नंबर। ये क्या हमारा रैशनल नंबर है, बिकॉज इंटीजर्स जो क्या है आर रैशनल नंबर, बिकॉज इंटीजर्स आर रैशनल। क्या ए अपन 4b जो हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि इंटीजर वो क्या है, रैशनल है। इसलिए अब देखेंगे, देखिए ये जो होगा हमारा ए अपन 4b वो क्या है, रैशनल है। तो इक्वेशन फर्स्ट में देखिए रूट टू जो है आपका इरेशनल है और ये आपका क्या है, रैशनल नंबर। तो हम इसको क्या कर लेंगे, पहले सेंटेंस में लिख लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये जो है एक ही इक्वेशन में दो किस्म के नंबर्स नहीं रह सकते, यानी रैशनल और इरेशनल दोनों नहीं रह सकते, या तो फिर ओनली पूरा इक्वेशन रैशनल रहेगा या फिर पूरा इक्वेशन इरेशनल रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेंटेंस लिख लेंगे, द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन कौन सा हमारा, फर्स्ट। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए फर्स्ट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज ए रैशनल। अब क्या देखिए, ये जो हमारा राइट हैंड साइड है वो क्या हो गया, हमारा नेशनल हो गया। अब बच गया लेफ्ट हैंड साइड, तो उसके लिए भी हम लिख लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, एंड क्या होगा, द लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड रूट टू क्या है, रूट टू इज एन इरेशनल, इज एन इरेशनल नंबर। क्या है,
रूट टू जो है क्या इरेशनल नंबर है और ए अपॉन फोर भी जो है वो क्या है रैशनल नंबर है, बट एक ही इक्वेशन में दोनों एक साथ नहीं रह सकते, या तो फिर पूरा रैशनल रहेगा या फिर पूरा इक्वेशन इरेशनल रहेगा। तो ये जो है आपका इक्वेशन वो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, क्यों, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब क्या, इक्वेशन आपका गलत है, दिस इज एन कॉन्ट्राडिक्टरी इक्वेशन। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेंटेंस लिख लेंगे, देयरफॉर आवर सपोज, हमने जो क्या करे सपोजिशन करे, यानी सपोज करे थे, सपोजिशन दैट फोर रूट टू इज ए रैशनल नंबर इज रॉन्ग। क्या किया हमने, पहले जो सपोज करे थे कि फोर रूट टू जो क्या हमारा रैशनल नंबर है, तो ये हमने क्या क्या गलत सपोज किया है, क्यों, क्योंकि फोर में फोर और रूट टू जो है वो क्या हमारा इरेशनल आया, इसलिए ये क्या होगा हमारा फोर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। देखिए हमने जो सपोज करे थे, यानी हमने क्या किया था, कंसिडर किया था कि फोर रूट टू जो है क्या हमारा रैशनल नंबर हमने मान लिया था, बट क्या हो गया वो रॉन्ग हो गया, इसलिए फोर रूट टू इज ए इरेशनल नंबर। तो इस तरह से क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू देखिए क्या है, प्रूव दैट थ्री रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर। क्या करना है आपको, प्रूफ करना है कि थ्री रूट फाइव जो क्या है इरेशनल नंबर है। तो देखिए हम सबको मालूम है कि रूट फाइव जो, यानी रूट में जो नंबर्स होते हैं वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, बट इसके साथ जो है क्या दिया गया है, थ्री प्लस थ्री दिया गया है। इसका मतलब क्या है, ये प्रूफ करना है आपको कि ये इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या कंसिडर करेंगे कि थ्री प्लस रूट फाइव जो क्या है पहले रैशनल नंबर सपोज करेंगे और फिर क्या करेंगे, शुरू करेंगे सॉल्व करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट अस सपोज, क्या करेंगे हम सपोज करेंगे, लेट अस सपोज थ्री प्लस रूट फाइव, थ्री प्लस रूट फाइव क्या है इज ए रैशनल नंबर। हमने क्या किया, आप सपोज कर लिया कि थ्री प्लस रूट फाइव जो क्या हमारा रैशनल नंबर है। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर थ्री प्लस रूट फाइव, सेम हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो सॉल्व किया है सेम उसी तरह करना है, इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा यहाँ पे ए अपॉन बी, और ए अपॉन बी आ गया, कंडीशन क्या है, बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, बी के जगह पे आप क्या कर सकते हो, कोई भी नंबर माइनस वन प्लस वन से कुछ भी ले सकते हो, बट जीरो नहीं ले सकते हो, और ए पे क्या ले सकते हो, जीरो से लेके माइनस वन प्लस वन कुछ भी ले सकते हो, ये होगा। और यहाँ पे क्या आएगा, ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी आर इंटीजर्स, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये क्या है हमारा प्लस में, तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, टू साइड से ना, वन एंड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे रूट फाइव हुई इसी तरह रखेंगे, और यहाँ पे ए अपॉन बी आएगा सेम। अब ये क्या है, प्लस में कुछ नहीं होता है तो कभी भी प्लस होता है, आप सभी को पता होगा, तो राइट हैंड साइड जाके माइनस थ्री हो जाएगा, ये हो गया। अब हमें क्या है, एक टू साइड्स हो गए, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो हमारा जो यहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है इरेशनल है, और राइट हैंड साइड जो क्या है रैशनल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे, यानी इक्वेशन फर्स्ट होगा ये हमारा। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक सेंटेंस लिख लेंगे, हेयर द राइट हैंड साइड, द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन क्या है वो हमारा रैशनल है। राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज ए रैशनल, क्यों, क्योंकि इसकी साइड जो है क्या आया है, रूट वाले नंबर नहीं आए, इधर रूट का नंबर आया है, इसलिए। और उसके बाद क्या लिखेंगे, रैशनल नंबर, ये हो गया। एंड क्या आएगा, एंड लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्या आएगा, रूट फाइव, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड रूट फाइव, ये क्या है हमारा इज एन इरेशनल नंबर, ये होगा। अब हमें क्या बताना है, ये जो इक्वेशन, एक में लेफ्ट हैंड साइड है, टू साइड्स हो, लेफ्ट एंड राइट, तो एक क्या है इरेशनल
एक रैशनल है एक इरेशनल है, पर एक इक्वेशन में दो किस्म किस्म ये नहीं हो सकते नंबर्स, या फिर दोनों रैशनल होगा या फिर दोनों इरेशनल होगा। तो ये जो हमारा इक्वेशन है वो क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी। ये हो गया, ये इक्वेशन क्या कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब क्या ये इक्वेशन गलत है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम वापस एक सेंटेंस लिख लेंगे, देयर फॉर आवर फर्स्ट क्वेश्चन में सेम जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है, ओनली क्या करेंगे वहाँ पे फोर रूट टू की जगह पे क्या आएगा, थ्री प्लस रूट फाइव। तो यहाँ पे लिखेंगे आवर सपोजिशन दैट थ्री प्लस रूट फाइव इज ए रैशनल नंबर। हमने जो सपोज किया था वो क्या है, थ्री प्लस रूट फाइव सपोज किया था कि क्या है, रैशनल नंबर है। ये क्या हुआ, हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया, क्योंकि रॉन्ग ये हो गया क्यों, देयर फॉर यहाँ पे हम लिख लेंगे देयर फॉर थ्री प्लस रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। देखिए इस तरह से क्या करना है आपको, सॉल्व करना है सेम फर्स्ट वाले जैसा ही है, सिर्फ क्या क्या इक्वेशन में जो थ्री प्लस रूट फाइव है उसकी जगह पे क्या क्या आपने फोर रूट फाइव है फर्स्ट वाला में, तो जहाँ पे ये यहाँ के इक्वेशन का नंबर आए वहाँ पे आपको फर्स्ट इक्वेशन का नंबर डालना है। तो इस तरह से क्या करना है आपको, सॉल्व करना है, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, क्या रिप्रेजेंट द नंबर्स रूट फाइव एंड रूट टेन ऑन ए नंबर लाइन। क्या करना है आपको, रूट फाइव और रूट टेन को क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ड्रॉ अ नंबर लाइन। इस तरह से राइट डाउन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो नंबर लाइन लेंगे वो क्या लेंगे, हम लाइन यल ले लेंगे। टेक नंबर लाइन यल लिया, उस पर टेक क्या करेंगे हम ओपी लेंगे, ओपी इज इक्वल टू टू यूनिट। ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, ड्रॉ पी क्यू परपेंडिक्यूलर। क्या करना है आपको, पी क्यू क्या करना है, परपेंडिक्यूलर दिखाना है, किसके, लाइन यल के परपेंडिक्यूलर दिखाना है। अब उसके बाद क्या करेंगे, टेक पी क्यू इज इक्वल्स टू वन यूनिट। तो अब देखिए क्या है, आप अगर एक लाइन लेते हो उस पर परपेंडिकुलर लाइन यल लिया, मतलब हमने लाइन यल ले लिया, उस पर ओ पी टू यूनिट और पी क्यू वन यूनिट दिखाओगे, तब जाके आपका क्या होगा, एक मतलब एक ट्रायंगल तैयार होगा जिस पर हम क्या करेंगे रूट फाइव सौ मतलब दिखाएंगे। तो चलिए क्या करते हैं, देखते आगे। ये हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए मैं आपको क्या करती हूँ एग्जाम्पल के तौर पर दिखाती हूँ किस तरह से करना है आपको। अब देखिए क्या है, आपका ये रूट फाइव है, रूट फाइव को इज इक्वल टू आप क्या कर सकते हो, फोर प्लस वन ले सकते हो, फोर प्लस वन क्या होगा, फाइव होगा। तो टू यानी फोर है, ये फोर है, तो किसका स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर होता है प्लस वन का स्क्वायर वन होता है, तो क्या हो जाएगा, रूट फाइव इसी तरह से रहेगा। तो टू का स्क्वायर टू यानी इसका स्क्वायर गेट कैंसिल किया तो क्या होगा, टू प्लस वन। तो आपको क्या करना है, टू यानी आप जो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम इसको दिखाएंगे, तो पाइथागोरस पे क्या करना है आपको, रूट फाइव जब हम ट्रायंगल में दिखानेंगे तो वन साइड हमें टू चाहिए और दूसरी साइड जो हमें क्या चाहिए, वन चाहिए। इस तरह से क्या करना है हमको, सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन यानी एक लाइन ले लेंगे स्ट्रेट, इस तरह से क्या होगा हमारा, एक लाइन हो जाएगा। ये होगा, अब हम इसको यल लाइन लेंगे, हम यहाँ क्या क्या हमने राइट डाउन किया है कि यल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आप जो माइनस वन से क्या कीजिए, ये माइनस वन, इसके बाद क्या होगा वो आगे जाते जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा ज़ीरो, यहाँ पे हो जाएगा आपका वन, यहाँ पे हो जाएगा आपका टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका थ्री, यहाँ पे हो जाएगा आपका फोर, और इस तरह से क्या फाइव अप टू, इस तरह से क्या होंगे वो आगे आते जाएंगे। तो ये ज़ीरो है, ये टू है, तो क्या करना है आपको, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूट फाइव दिखाना है। क्या दिखाना है, रूट फाइव दिखाना है, किसमें, इस पे। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या किया है, ज़ीरो से लेके टू यूनिट लिया, देखिए ओ पी इज इक्वल टू टू यूनिट लिया है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा ओ, ये हमारा हो जाएगा ओ,
और यहाँ पे जो हम लेंगे एक लाइन यहाँ पे, यहाँ से जीरो से टू तक, ये टू यूनिट हो गया। और हमें क्या करना है उस पर पी क्यू दिखाना है, तो पी क्यू दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, वन यूनिट चाहिए, तो वन यूनिट की जगह पे हम क्या कंसिडर करेंगे कि ओ पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा वन ही यूनिट होगा, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे टू यूनिट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से टू यूनिट हो जाएगा, यानी ये हमारा क्या होगा वन यूनिट होगा, वन हमारा यूनिट छोटा दिखेगा इसलिए मैंने क्या किया टू यूनिट लिया है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे वन यूनिट राइट डाउन कर लेंगे, ये होगा हमारा वन यूनिट, और ये हमारा क्या होगा ये पी, ये क्यू, ओ पी क्यू, ये हो गया ओ पी क्यू, ये हो गया। अब क्या करना है हमें, ये वन ओ पी जो हमारा क्या है टू यूनिट है, तो यहाँ पे है वन एंड टू, और ये हमारा पी क्यू क्या है वन यूनिट है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया वन यूनिट, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं टू यूनिट, टू यूनिट। अब हम क्या कर लेंगे, ये जो हमारा Q और ये हमारा O, उसको क्या कर लेंगे जॉइंट कर लेंगे, इस तरह से क्या क्या हमने जॉइंट कर लिया, तो ये जो है हमारा क्या हो गया हाइपोटेनस, तो ये हमारा रूट फाइव हो गया। अब हमारा रूट फाइव जो हमें क्या करना है नंबर लाइन पे राइट दिखाना है, तो नंबर लाइन पे दिखाने के लिए क्या हुआ, ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये ऊपर साइड हो गया, तो हमें क्या करना है इसको नंबर लाइन पे दिखाना है। तो नंबर लाइन पे दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक कंपास लीजिए, उसमें क्या करना है कंपास में पेंसिल फिक्स किया, और उसके बाद क्या करना है एक पॉइंट यहाँ और बराबर जो है दूसरा पॉइंट क्या करना है, तो इस तरह से क्या एक कंपास का नोक और एक पेंसिल का नोक क्या करना है इस तरह से रखना है। आप क्या करेंगे ओ पे जो है क्या करेंगे इस तरह से रख लेंगे जीरो पे या फिर ओ पे, और क्या करना है आपका जो है बराबर क्यू से गुजरता हुआ क्या करना है एक सर्कल निकालना है, सर्कल यानी हाफ, इस तरह से ये क्या क्या हमने इसको कट कर दिया, और यहाँ पर जो हमारा नंबर लाइन है उस पर क्या क्या ओनली टच करना है इस तरह से, ये हो गया। तो ये जो हुआ हमारा टच हुआ है, ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा रूट फाइव, नंबर लाइन पे दिखाना है ना, ये यहाँ पे हो गया, तो अपने हमने इसके क्या क्या कंपास से डिस्टेंस ले लिया और उसके बाद नंबर लाइन पे दिखा दिया, तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन पे रूट फाइव, समझ में आ गया आपको, ये इस तरह से क्या होगा हमारा रूट फाइव, ये हमारा जो है क्या हो गया पी ओ पी, यानी ये आप क्या कर सकते हो ओ ले सकते हो ओ पी क्यू, ये क्या हो गया हमारा एक ट्रायंगल तैयार हो गया। अगर आप यहाँ से कंपास से लेके यहाँ से पूरा सर्कल लेके तैयार भी करो तो सर्कल का कोई भी पॉइंट ले लो आप, तो वो भी क्या होगा आपका रूट फाइव डिस्टेंस का ही होगा। तो ये हो गया हमारा क्या हो गया एक, मतलब एक ट्रायंगल तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एक सेंटेंस लिख लेंगे, तो क्या लिखेंगे इन राइट एंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है हमारा ओ पी यानी ओ पी क्यू, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा ओ पी एंड क्यू, ये हमारा क्या हो गया एक ट्राइंगल हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये हो गया। अब क्या करना है पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है आप सभी को पता होगा, पहले क्या करते हैं हाइपोटेनस यानी ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, इस तरह से। तो ओ पी जो हमारा क्या करना है फाइंड आउट करना है, ओ पी जो हमारा क्या है ओ पी हमने यहाँ पे देखिए लेंगे, यहाँ पे हमने क्या लिया ओ पी टू डिस्टेंस लिया यानी टू यूनिट, और पी की क्या लिया वन लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा टू का ओ पी क्या है टू है यानी टू का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पी क्यू क्या हमारा वन है यानी वन का स्क्वायर हो जाएगा, टू का स्क्वायर फोर प्लस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा वन का स्क्वायर कभी भी वन ही आता है, और फोर प्लस वन करोगे तो फाइव। अब ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया फाइव आ गया, तो अब हमें क्या चाहिए ओ क्यू की वैल्यू चाहिए, ये स्क्वायर है तो क्या करने का आप ओ और क्यू इसी तरह से रहने देना, और ये जो कभी भी स्क्वायर है वो क्या होता है राइट हैंड साइड जाके रूट बन जाता है, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट फाइव, समझ में आ गया। तो देखिए ओ क्यू इज इक्वल टू क्या है आपका रूट फाइव है, यहाँ पे इस तरह से हमने क्या किया फाइंड कर दिया। अब क्या करना है हमें नंबर लाइन पे वापस क्या करना है रूट टेन दिखाना है, हमने रूट फाइव दिखा लिया, अब क्या दिखाना है रूट टेन दिखाना है नंबर लाइन पे। तो चलिए क्या करते हैं दिखाते हैं, तो सेम उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा रफ में। तो हमने रूट फाइव का कि जिस तरह से क्या था रफ में उसी तरह से रूट टेन का रफ में कर लेंगे, तो नाइन प्लस वन करोगे तो टेन हो जाएगा। अब थ्री का स्क्वायर जो नाइन होता है, थ्री का स्क्वायर नाइन होता है प्लस वन का स्क्वायर वन होगा, तो अब क्या हो जाएगा रूट टेन है,
तो 3 का स्क्वायर यानी स्क्वायर स्क्वायर गेट कैंसिल हो जाएगा 3 + 1। तो आपको क्या करना है, आपका जो ट्राइंगल है उस पर क्या करना है, नंबर लाइन पे 3 यूनिट लेना है और क्या वरना एक 1 का यूनिट लेंगे। तो 3 और 1 लेंगे तब जाके आपका क्या होगा, रूट 2 शो होगा। इस तरह से क्या करना है आपको, इस नंबर लाइन पे हम क्या करेंगे, रूट 10 शो करेंगे। तो रूट 10 शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 यूनिट लेना पड़ेगा। तो 0 से लेके 3 तक ये हमारा फर्स्ट यूनिट हो गया, यानी वन साइड 3 का लिया और सेकंड साइड जो हमें क्या करना है, 1 यूनिट का लेना है। पर मैंने आपको बताया 1 यूनिट क्या हो जाएगा, छोटा दिख जाएगा, इसलिए हमने क्या करेंगे, 1 यूनिट को 2 यूनिट में कंसिडर कर रहे हैं। यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिया है तो यहाँ 13 से तो यहाँ पे तक हमारा क्या हो जाएगा, हमने कंसिडर किया ये हमारा 1 यूनिट ही। समझ में आ गया आपको, 1 यूनिट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ए दे देंगे नेम और इसको बी दे देंगे। अब हमारा जो ये पॉइंट है हाइपोटेन्यूज पॉइंट, उसको क्या कर लेंगे, इस पॉइंट से ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से क्या किया हमने, ज्वाइन कर लिया। अब ये जो हमारा क्या हो गया, रूट 10 हो गया, रूट 10। अब हमें क्या करना है, इस रूट 10 को नंबर लाइन पे दिखाना है। तो सेम रूट 5 को जिस तरह से दिखाया उसी तरह से क्या करेंगे, रूट 10 को दिखाएंगे। तो यहाँ इसके 0 से लेके बी तक क्या करना है आपको, सेम इस तरह से क्या क्या हमने रख लिया। अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से क्या करना है आपको, यहाँ से मतलब बराबर जो है, यहाँ से इस पॉइंट से गुजरने के बाद यहाँ पे एक नंबर पॉइंट, नंबर लाइन पे एक पॉइंट मिलेगी। या इस तरह से क्या करना है, नंबर लाइन पे आपको ड्रॉ करना है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, तो ये हमारा रूट 10 क्या है, ये पे हाइपोटेन्यूज, बी हाइपोटेन्यूज पे। पर हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे दिखाना है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस लिया है कंपास से और उसको क्या किया, नंबर लाइन पे ज्वाइन किया है। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, रूट 10, ये हो गया हमारा रूट 10। और अगर आपने इससे यहाँ से यहाँ तक का एक सर्कल भी ड्रॉ किया तो कोई भी सर्कल का कोई भी पॉइंट ले लीजिए तो वो क्या होगा आपका, रूट 10 इतना डिस्टेंस का होगा। तो इस तरह से क्या होगा आपका, यहाँ इस तरह से क्या करना था आपको, सॉल्व करना था। तो देखिए क्या करना, बहुत ईजी है, एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा और बहुत ईजी है, सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।